आप दर्ज किए गए थे कि हमारे साथ पीयूष जी हैं, कृष्णानंद राय के बेटे हैं, इनसे जानकारी। सर, पहला रिएक्शन मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा मिली है और 5 लाख जुर्माना लगाया गया। जी, अभी तो पूर्णतया फैसले नहीं आए हैं। अभी अदालत अफजाल अंसारी पे और जो भी उसमें है गैंग चार्ट में, उन पर सजा बताना है। अब मेरा मानना है कि हमें थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए, लेकिन जो मुख्तार पे सज़ा सुनाई गई है, मेरा मानना है कि उस समय जो हमारे पिताजी की शिखा अपराधियों ने, गोली चलाने वाले अपराधियों ने काटी थी, आज उस शिखा का मान जो मुझ जैसे युवा भी आज भी अपने सर पे रखते हैं, उसका मान बढ़ाने का काम न्यायपालिका ने किया है। और मैं आपके भी माध्यम से पूजनीय महाराज जी तक ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि जो शिखा उस समय काटी गई थी, आज वही शिखा मेरे सर पर है। और जो इच्छा शक्ति और जो मनोबल पूजनीय महाराज जी ने मेरे सर पे हाथ रख के बढ़ाया है और न्यायपालिका ने जो फैसला सुनाया है, आज दिल की गहराइयों से मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि जो मुख्य मामला था, जो कृष्णानंद राय जी की समेत 7 लोगों की हत्या हुई थी, उसमें इन्हें क्लीन चिट दी गई, लेकिन जो 2007 में मुकदमा गैंगस्टर एक्ट लगा था उसमें सजा मिली है। तो कहीं ना कहीं जो इंसाफ की आस थी वो खत्म हो चुकी थी, जो कि मुख्य मुद्दा था कृष्णानंद राय की हत्या को लेकर, उसमें इसे क्लीन चिट दी गई, लेकिन गैंगस्टर एक्ट में आरोपी बनाया गया और कहीं ना कहीं आज इन्हें सजा भी दी गई। देखिए, मैं इसमें सबसे प्रबल कारण मानता हूँ सरकारों के जो नज़रिए रहे हैं और जो इरादे रहे हैं, उसमें ये स्पष्टता से अंतर दिख रही है। जिस समय मेरे पिताजी के मुकदमे का फैसला या ट्रायल चल रहा था, उसमें सपा की सरकार थी। भले ही मुकदमे का फैसला 2019 में आया, आपको भी पता है 18 साल लगे उस केस में, तो सारे जो ट्रायल्स थे, सारे जो बयान थे, वो सपा सरकार में सुने गए थे 2017 से पहले। और उस समय की सरकार में इनको इतना प्रेशर मिल गया कि इन लोगों ने गवाहों की हत्या कराना, उनको घर से जबरन उठवाना, हम लोगों को गवाही न देने के लिए बार बार दबाव बनाना, तो ऐसे इन लोगों के इरादे हुए करते थे। क्योंकि राजनीतिक रूप से भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारी माताजी दो बार विधायक रह गए, तो उनके पे दबाव बनता था कि आपकी राजनीति को खत्म कर दिया जाएगा, या मेरी माताजी को दबाव बनता था कि आपके बेटे की हत्या कर दी जाएगी पति की तरह, तो ये सब चीज़ें होती थी। यही बदलाव 2017 के बाद पूज्य महाराज योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई, उन्होंने मनोबल बढ़ाया कि आप लोग लगिए, और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जब मैं मिला तो उन्होंने कहा बेटा कि आप अच्छे से लगिए और आप अपने गवाहों की गवाही करवाइए और किसी तरीके के भय की जरूरत नहीं है, और इन माफियाओं के खिलाफ आप खुल के अपना आवाज बुलंद करिए, और जरूर न्यायालय हमें हमारे साथ, उनको भी ये बात का है कि न्यायालय जब सच्चाई के साथ समझेगा तो न्यायालय इसका फैसला करेगा। तो इसका माफिया राज 2 की बात हो रही थी, माफिया राज 1 में अतीक और अशरफ को लेकर तमाम चीजें आए, उन्हें साबरमती जेल से लाया गया, जिस तरीके से हत्या हुई उसे लेकर कई सवाल खड़े हुए, लेकिन माफिया राज 2 जो पूर्वांचल का एरिया जहां पर अब मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी का कहीं ना कहीं इतना वर्चस्व था कि कोई गवाही देने नहीं आता था, तो क्या आज से आपको लगता है जिस तरीके से सजा मिली है इसका अंत आप देख रहे हैं? देखिए, मुख्तार और अफजाल एक निमित्त गुड्डे किस्म के इंसान है, इनकी हैसियत इतने बड़े माफिया बनने की नहीं थी। जब तक इनको सपा और बसपा के परिश्रय सरकारों में, इनके मनोबल जो बढ़ाए गए सपा और बसपा के सरकारों में, इनको परिश्रय मिला, इनको हर अपराध करने के लिए छूट मिला, मऊ जैसे दंगे करने के लिए इनको छूट मिला, तो ऐसे ही ये माफिया बने हुए हैं। आज वही पूजनीय महाराज जी की जब से सरकार आई है, किसी माफिया को छूट नहीं है, किसी माफिया को छोड़िए गली के चलते हुए गुंडे को छूट नहीं है कि तुम गुंडे ही कर सको, तुरंत उनके पे कठोरतम कार्रवाई हो रही है। तो यही एक, मैं जैसे शुरू में कह रहा कि एक मजबूत इरादे की व्यक्ति की कमी थी जो पूजनीय महाराज जी के रूप में हमें इस प्रदेश में मिला है, और मेरा मानना है कि मैं उनका दिल की गहराइयों से अपने माता जी की तरफ से और खुद मैं आभार करूंगा कि ऐसे मजबूत इरादा हर एक राजनेता के अंदर होना चाहिए कि जो समाज के विपरीत लोग हैं उनके खिलाफ कैसे कठोरतम कार्रवाई होता है, ये देखने को हमें मिल रहा है। हमने सुना कि जब AK-47 से 500 राउंड से ज़्यादा गोलियां चली थी, पोटा भी लगाया गया था, लेकिन राजनीतिक दबाव इतना था कि उस समय जो तत्कालीन जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे उन्हें तुरंत पोटा हटाया गया, कईयों को हटा दिया गया, इस तरह की चीज़ें आई, तो राजनीतिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था मुख्तार अंसारी को लेकर, अफजाल अंसारी को लेकर। देखिए, पोटा उनके पे लगाया गया था LMG खरीद के मामले में लेके, उस समय के DSP शरेंद्र सिंह ने लगाया था, उसमें बिल्कुल दबाव बना के उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने इसको हटवाया था। मैं उसका एक और उदाहरण आपको देता हूँ कि जब CBI के लिए हम लोगों ने डिमांड किया था, उस समय के सरकार के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी, तो उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया, कह दिया कि नहीं, हमारी पुलिस सक्षम है। अगर उनकी पुलिस सक्षम होती तो इतने बड़े विधायक की हत्या कैसे हो जाती? ब्रह्मदत्त द्विवेदी कहते हैं, राजू पाल कहते हैं, ऐसे 3-3 4-4 विधायकों की
क्या होना, एक खुद ही आपको संदेह के घेरे में रख रहा था। उसके लिए हमें दौड़ के न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा, तब जाके सीबीआई केस का फैसला हमें मिला कि सीबीआई द्वारा इसकी जाँच कराई जाए। तो यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एक मजबूत इरादे की कमी थी उस समय के सरकारों में, और राजनीति की तुष्टिकरण थी कि वो माफियाओं में भी जात और धर्म ढूंढते थे। मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि चाहे माफिया मुन्ना बजरंगी जैसे हों, चाहे विकास दुबे हों, चाहे अतीक हों, चाहे आज हरिहर सिंह को आजीवन कारावास हुआ है उसी में, चाहे मुख्तार, क्योंकि वो भी मुख्तार के सहयोगी हैं, मुख्तार अंसारी हों, ऐसे लोगों को अगर ये फैसला आया हुआ है तो ये माफियाओं के खिलाफ आया, ना ही किसी धर्म और जाति या किसी मजहब के खिलाफ आया।